हर्ष छाबड़ा एंड वेलकम टू जोकियापा। जोकियापा में आज हम चलेंगे एक नई जर्नी की तरफ जहां हम बात करेंगे देश और दुनिया की कॉमेडी की नजर से। आर यू रेडी? जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश भर में इलेक्शन जोरों पे है और आने वाले दिनों में गुड़गांव में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो हमारी टीम ने अमित खत्री जी, जो कि गुड़गांव के डीसी हैं, उनका एक इंटरव्यू किया सेपरेट शो में। तो आइए उस इंटरव्यू को देखते हैं जोकियापा के चश्मे से। आज हमारे साथ अमित खत्री जी हैं, जो कि गुड़गांव के उपायुक्त हैं। गुरुग्राम जैसे शहर को ये मैनेज करते हैं और उसके अगर कहा जाए अन्य शब्दों में तो ये बिग बॉस हैं गुरुग्राम के। अरे लवजीत जी, क्यों मजाक कर रहे हो? गुड़गांव को तो असली बिग बॉस नहीं चला सकते, अमित जी कहाँ से चलाएंगे? गुड़गांव को चलाते हैं यहाँ के जाट, जिनकी गाड़ी का नंबर होता है HR26JATT। वैसे मैं आपको बता दूँ, अमित खत्री जी भी जाट है, जिन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अपनी ग्रेजुएशन करी है और IELTS का एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद 11th रैंक से UPSC क्लियर कर दिया। अरे भाई, इतना कौन पढ़ता है, वो भी जाट कम्युनिटी में। जाट कम्युनिटी का एक्सेप्शन है अमित खत्री जी। जहाँ पुलिस के बाकी लोगों के लिए उसके काला अक्षर बहस बराबर थी, उसको ये गाय समझ के उसका दूध पी गए। बाकी बच्चे जो बुक्स स्कूल जाने से पहले फेंक देते थे, खत्री जी उनको बटोर लेते थे। इनके पिताजी को ये चिंता नहीं थी कि लोंडे का UPSC क्लियर होगा कि नहीं, उन्हें ये चिंता थी छोरा मारा भी है कि नहीं तो इतना पड़े। इनके चाचा का लड़का तो इनका धमकी दे के जाता था, रे हमारी बिरादरी में इतना ना पड़ा करें, क्यों बिरादरी की नाप कटाएगा और कल को आरक्षण कहां से मिलेगा। गुरुग्राम में इसी तरीके से अब अगला चैलेंज है और यहाँ पे बहुत सारे संवेदनशील बूथ हैं, जो कि एक बड़ी संख्या है जहाँ पे, और यहाँ पे जाट समीकरण भी इस तरीके के, तो जाति समीकरण इस तरीके के हैं जहाँ पे कि और ज्यादा संवेदनशीलता बढ़ती है, उसके बारे में क्या तैयारी है प्रशासन? तो मैं आपको बताता हूँ संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग स्टेशन क्या होते हैं। ये वो स्टेशन होते हैं जहाँ पे लड़ाई होने की आशंका ज्यादा है या किसी पार्टी के दबदबे से वोटिंग खराब होने की आशंका ज्यादा है। तो गुड़गांव में ऐसे 18 पोलिंग स्टेशन हैं जो अति संवेदनशील आते हैं, जबकि सोना में उल्टा है, वहां पे सिर्फ 18 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो नॉर्मल है, बाकी सारे अति संवेदनशील और संवेदनशील में आते हैं। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप, सोना में होते हैं जाट जो बिना लड़ाई के तो वोट ही नहीं करते। मुझे तो लगता है वो 18 पोलिंग स्टेशन के लोग हैं पंजाबी, जिनकी लड़ाई करने में फटती है। सोना वालों ने तो उन्हें अपना मानने से मना कर दिया, उन्होंने गुड़गांव में अर्जी डाल दी है कि गुड़गांव के 18 अति संवेदनशील वालों को सोना का पार्ट बनाया जाए और सोना को पूर्ण संवेदनशील घोषित किया जाए। तो सोना अति संवेदनशील होने के बावजूद आपको पता है सोना का जो वोटिंग परसेंटेज है ना, वो गुड़गांव से ज्यादा है। ऐसा नहीं है उन्होंने विज्ञापन देखा था और वो उससे प्रेरित हो गए जिम्मेदार नागरिक बनो। आप खुद सोचो, वोटिंग के दिन सुबह सुबह 6 लोंडे आपको घर से उठा के लेके जाएंगे स्कॉर्पियो में, तो आप ये थोड़ा बोलोगे चाय पे चर्चा करते हैं। अमित जी, प्रोग्राम में अभी जब सारी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं और सारे राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपने चुनाव प्रचार में लगे हैं, और आने वाले समय में हमने सुना है कि कुछ बड़ी रैलियां और कुछ बड़े नेता भी देश के गुरुग्राम में आने वाले हैं। अरे क्यों मजाक कर रहे हो, गुरुग्राम में और वो भी रैलियां, कभी देखी है होती हुई? गुरुग्राम के जो उम्मीदवार है ना, वो काफी स्मार्ट है, वो रैलियों पे पैसा नहीं खर्च करते। उन्हें पता है वोटिंग के दिन 50 स्कॉर्पियो और 100 मुस्टंडो से जब काम हो जाना है तो पैसा क्यों खर्च करते। बिल्कुल पूर्णतः सुरक्षित है, वो निकले और जाएं। बिल्कुल आपका क्या संदेश है? हरेक आम नागरिक अपने मतदान का अधिकार करिए, आपको इस अधिकार करने से कोई रोक नहीं सकता, कोई वंचित नहीं कर सकता। हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे, इस अधिकार को आप जाहिर करने में ज्यादा से ज्यादा आपको सहूलियत। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही अमित खत्री जी का इंटरव्यू खत्म हुआ, उसके बाद बाहर मैंने एक पार्टी के उम्मीदवार से पूछा, क्योंकि वोटिंग शुरू हो रही है, तो आपने कुछ तैयारियां करी है? कहता हूँ तैयारियां, कहता असली तैयारियां तो हमें ही करनी पड़ती है, वो भी कम समय में। कहता जब इलेक्शन कमीशन की तैयारियां खत्म हो जाती है ना, उसके बाद हमारी शुरू होती है। मैंने कहा कैसे? कहता आप खुद ही सोचो, समझदार हो, वोटिंग मशीन में कितने बटन होते हैं, आप वोट किसी को भी देते हो, जाता तो उसकी तैयारियां खोल दो। गुड़गांव तो छोड़ो, वहां दिल्ली में केजरीवाल ने वोटिंग की तैयारियां शुरू कर दी है। मेरे घर की सड़क और केजरीवाल को थप्पड़, दोनों वोटिंग से पहले शुरू हुई।